सलमान भाई और कैटरीना कैफ की मच वेटेड मूवी भारत बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही दस्तक देने वाली है। बता दें फैंस में इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें इस फिल्म की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही है। वहीं इस फिल्म को करीबन 53 से ज्यादा देशों में रिलीज किया जा रहा है। वहीं बता दें फिल्म को लेकर अभी से ही बहुत बड़े क्रिटिक्स प्रेडिक्शन करते नजर आ रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। बता दें कि 100 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी को प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये फिल्म 300 करोड़ जरूर पार कर लेगी। बता दें कि इससे पहले सलमान भाई की 3 ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो 300 करोड़ पार कर चुकी है। 2015 में बजरंगी भाईजान ने 300 करोड़ की क्लब में पहली बार शामिल की। वही 2016 में सुल्तान फिल्म ने भी 300 करोड़ की पार कर ली। वही 2017 में टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होकर 300 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई थी। बता दें कि अभी से सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये भी फिल्म 300 करोड़ की क्लब में जरूर शामिल हो जाएगी। ऐसा ट्रेड एक्सपोर्ट का भी कहना है कि ये फिल्म 300 करोड़ आसानी से पार कर लेगी। हालांकि बता दें कि फैंस का भी ये कहना है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है और फिल्म और ट्रेलर को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये फिल्म आसानी से 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। दोस्तों बता दें सलमान भाई बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जो कि 3 फिल्में 300 करोड़ पार कर चुकी है। ऐसा करने वाला कोई भी अब तक बॉलीवुड में स्टार नहीं है। और भारत फिल्म अगर 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाती है तो 4 ऐसी फिल्में हो जाएंगी जो कि 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी और उसके बाद बॉलीवुड में इनका रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी भी बॉलीवुड एक्टर का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 300 करोड़ की क्लब में आसानी से पहुंच जाएगी या फिर नहीं पहुंच पाएगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी।